हेलो दोस्तों, ये है मोटो जी सीरीज का एक नया 5G फोन मोटोरोला G54 जो कि कुछ ही हफ्ते पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था और यह बजट सेगमेंट में लॉन्च हुई है। एक्चुअल में इसकी प्राइस 15999 है, बट इसको आप ऑफर्स एंड कार्ड डिस्काउंट के साथ 14499 में बाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस फोन में क्या कुछ स्पेक्स एंड फीचर्स है और क्या इस प्राइस रेंज में ये फोन बाई करने लायक है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अच्छी बात, यदि आप इस फोन को बाई करते हो बॉक्स में आपको फोन कवर अडेप्टर एंड यूएसबी टाइप सी केबल मिलती है, मतलब कि पूरा पैकेज ही मिलता है। और ये रहा इस फोन का फर्स्ट लुक जो कि दिखने में सेम G84 जैसे दिख रहा है, जैसे कि टॉप कॉर्नर में डुअल कैमरा, सेंटर में मोटोरोला की लोगो, बट इसमें वीगन लेदर की जगह PMM मटेरियल का यूज किया है। एक्चुअल में ये प्लास्टिक है बट उससे हल्का बेटर वाली फील देगी। और साइड साइड से पॉलीकार्बोनेट है, हल्का हल्का कर्व है। और इसमें IP52 का रेटिंग है जिससे डस्ट प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट है। और इसमें 6000mAh की एक बड़ी बैटरी लगी हुई है जो कि आराम से नॉर्मल या मिक्स यूजर को 1.5 से 2 दिन की बैटरी बैकअप दे सकती है। और इसको चार्ज करने के लिए मोटोरोला ने बॉक्स के अंदर 33W की चार्जर दी है यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये फ़ोन 6000mAh बैटरी होने के बावजूद भी उतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होती है, हाथ में पकड़ने से फ़ोन काफ़ी हैंडी फील होगी। और इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है विथ सेंटर पंचुअल के साथ। इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, पंडा ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्शन है एंड 560 निट्स की ब्राइटनेस है, फेस अलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। और इस फोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी अच्छी है जिससे साइड साइड के बेजल एंड ऊपर नीचे की चीन एवरेज है, जिससे डिस्प्ले को सामने से देखने से काफ़ी अच्छी वाली फील देगी। और यदि आप YouTube में वीडियो वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो YouTube में आप HDR कंटेंट देख सकते हो, तो वीडियो की कलर कंट्रास्ट काफ़ी नेचुरल लगेगी, वीडियो आपके सामने निखर के आएगी। और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, वो भी डॉल्बी एटमोस सर्टिफाइड के साथ, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेटर रहेगी, मतलब आपकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यह बैक साइड डुअल कैमरा सेटअप के साथ आती है जो कि इसका मेन कैमरा है 50MP की विथ OIS के साथ, जो कि इस सेगमेंट में देना काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा 8MP की है और ये ऑटो फोकस है, मतलब कि माइक्रो एंड डेप्थ का भी काम करता है। और सेल्फी कैमरा 16MP की है। इसमें कई सारे फिल्टर मोड एंड फीचर्स हैं जिसका आप यूज करके लो लाइट एंड डे लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे फोटो एंड वीडियो वगैरह निकाल सकते हैं, डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी। इसमें आप मैक्सिमम 1080p 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि इस सेगमेंट में हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें MediaTek Dimensity 7020 का एक 5G प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और यह 2.2GHz पे रन करती है। इसकी एंट्री स्कोर लगभग 4,75,000 है। यह Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर से बेटर है। इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI एंड फ्री फायर जैसे गेम को मीडियम टू हाई सेटिंग में खेल सकते हैं। डे टू डे आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छी रहेगी, फोन हीट भी नहीं होगी। एंड इसके परफॉर्मेंस को और भी ताकत देने के लिए इसमें LPDDR4X का रैम टाइप है एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है, जिससे फोन और भी काफी फास्ट हो जाती है। और ये एक 5G फोन है तो यह 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है। Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, डुअल 4G वोल्टी है, वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी OS के बारे में। तो ये MyOS पे रन करता है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 पर बेस्ड है। इसमें फालतू के ऐप वगैरह हल्के फुल्के गिने चुने 1-2 मिल सकते हैं। मोटोरोला की UI काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टॉक वाली फील देगी। इसमें कई सारे फीचर्स हैं जैसे ThinkSeek, मोटो सिक्योर, कई सारे फीचर्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छा UI है। और इसमें 1 ईयर्स की मेजर अपडेट एंड 3 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी, जो कि 2 ईयर्स की मेजर अपडेट होती तो अच्छी होता, बट कोई ना, हम इसी से काम चला सकते हैं। और ये फोन 2 वेरिएंट में आती है, 8GB प्लस 128GB एंड 12GB प्लस 256GB। इसके बेस वेरिएंट का प्राइस मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सो दोस्तों, ये था इस फोन का फुल रिव्यू। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर जाना। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।